भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पंचम काल में पैदा हुए हैं भगवान नहीं बन पा रहे, बन रहे हैं क्या? लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, भगवान बनो या ना बनो, जिनेंद्र बनो या ना बनो, भगवान नहीं बन पाए कोई बात नहीं, भगवान के तो बन जाओ। समझ में आ रहा? भगवान मत बनो लेकिन किसके बन जाओ? भगवान के तो बन जाओ। महावीर नहीं बनो, महावीर के तो बन जाओ। ऋषभदेव नहीं बन सकते हो, ऋषभदेव के तो बन जाओ, तुम्हारा अपना जीवन सार्थक। पंचम काल में अपन भगवान नहीं बन सकते लेकिन भगवान के तो बन सकते हैं ना। नहीं अभी किसके बने हुए? पति के, बच्चों के, परिवार के, धन के, रुपया के, पैसों के, मकान के, भगवान के कब बनोगे? भगवान के बन जाओ, जीवन में अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। ये मनुष्य तन मिला है, मनुर्भव मनुष्य भवो, मनुष्य हो जाओ तो तुम्हारा जीवन मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि अपना जीवन का आंखों का सदुपयोग करो। कहते ना मनुष्य जन्म को सार्थक करो, कैसे सार्थक करें? आंखों का दुरुपयोग मत करो, क्या करो? सदुपयोग। कान का सदुपयोग करो, कान तो है, सुनाई तो देगा कि नहीं देगा? सुनाई तो देगा लेकिन क्या सुनना है? जिनवाणी सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, भक्ति सुनो, कान का सदुपयोग हो गया। आज सुबह से उठ के इन लोगों ने अभिषेक किया, सुरेश जी पहाड़िया, रजनी जी पहाड़ियां आई, सुबह से अभिषेक पूजन में लगे हैं, शरीर का सदुपयोग हो गया। घर में रहते तो विषय भोग इंद्री संसार उसमें अपना शरीर का दुरुपयोग होते रहता है। समझ में आ रहा? सदुपयोग हो गया। अपने हाथों से आहार दे लिया, हाथों का सदुपयोग हो गया। यहाँ बैठकर भगवान को अर्घ चढ़ा लिए, परिक्रमा लगा दी, पैरों का सदुपयोग। सदुपयोग क्या होता है? सार्थकता क्या होती है? अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ देना, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता और सफलता। सार्थकता सफलता के लिए और क्या करना है? अपने मन में दुनिया भर के विचारों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति के विचार लाओ, तुम्हारे मन का सदुपयोग हो गया। तुमने धन यहाँ पर दान किया, तुम्हारी कमाई का सदुपयोग हो गया। यदि यहाँ दान नहीं करते तो ये लाखों रुपए आपके खाने पीने घरवार परिवार इसी में चले जाते, आप पुण्य का अवसर आपको प्राप्त नहीं होता। सदुपयोग का मतलब यही है, उपयोग तो करना है, दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। अपने जीवन को सार्थक और सदुपयोग करने का प्रयास करिए। हम उस वंश में पैदा हुए हैं, ध्यान रखना, नाम ख्याति प्रतिष्ठा जय जयकार इसके लिए ही नहीं, ये तो अपने को अपने आप मिल जाया करते हैं, अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए भी जीने का प्रयास करिए। अपने ही दुख को दुख मत समझो, दूसरों के दुख को भी समझने का प्रयास करिए। कहाँ नाग नागिन को जलते हुए लक्कड़ में देख लिया, पारसनाथ राजकुमार वन क्रीड़ा को जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, गंगा नदी के किनारे काशी के घाट पर पहुंच रहे हैं, हाथी पर सवारी कसी हुई है, जाकर देखते हैं एक तपस्वी, एक तापसी पंचांगनी तप कर रहा है लक्कड़ में। नाग नागे पालकी रोक दो, सवारी रोक दो, हाथी को रोक दो, ये क्या कर रहे हो तुम? देख कर मन भीग गया उनका, करुणा से भीग गया मन उनका। उन्होंने कहा, हे तापसी, इस लक्कड़ में जीवों को मत जला, इनकी हत्या मत कर, तुझे कष्ट देना है मुझे कष्ट दे ले, लेकिन इनको कष्ट नहीं। इस वंश में हम पैदा हुए हैं जहां खुद को पारसनाथ ने एक नागिन नागिन को बचाने के लिए 7 भव तक कष्ट सहन किया। समझ में आ रहा? किसके लिए? एक जीव को बचाने के लिए 7 भव तक कष्ट सहते हैं भगवान। ये हम उस परंपरा में दीक्षित हुए हैं, विवाह को दर्व सजी है बारात, घोड़ी पर जा रही है बारात, रथ पर सवार हैं भगवान, जा रहे हैं विवाह करने के लिए। क्या पूछा ये पशु, ये जानवर किस लिए बने हुए हैं? ये आपके यहाँ मांसाहारी राजाओं के लिए, मेरी वजह से इतने पशुओं की हत्या होगी, नहीं करना मुझे विवाह। लौट गए, चढ़ गए गिरनार की चोटियों पर, नेमिनाथ भगवान जाकर के उन्हें करुणा आ गई। जिस संसार में हमारे लिए दूसरों की जान जाती हो, ऐसे धर्म में, ऐसे वंश में हम पैदा हुए हैं जहां पर चींटी की आत्मा को
उतना ही महत्व दिया जाता है जितना सिद्ध भगवान को महत्व दिया जाता है। ऐसे संस्कार हमारे, ऐसी संस्कृतियां हमारी, उसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। ध्यान रखिए, लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया में क्या हवाएं चल रही हैं, क्या लहर चल रही है, बाहर का संसार कैसा है, इसमें मत पड़िए। अपने जीवन को सार्थक और सफल करने का प्रयास करिए। सब तो देख लिया, बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, सबका परिवार चल रहा, संसार चल रहा है, अभी भी सत्य के दर्शन नहीं करना है, अभी भी परमात्मा से लौ नहीं लगाना है, अभी भी भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ना है, तो फिर कब करोगे, कब होगा, अभी नहीं। क्या सोचता है आदमी, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतने जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। ध्यान रख, ऐसा सोचता है आदमी, धर्म के मामले में सोचता, अभी तो बरसों जीना है, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे, अभी तो जिंदगी पड़ी है। जिंदगी का कोई भरोसा, कोरोना में कितने चले गए हैं, उसने नहीं देखा जवान कौन, और तीसरी लहर आ गई, अपने ही नंबर आ जाएं, क्या भरोसा, दुनिया से विदा हो जाएं, सोचते ही रह जाएंगे और कुछ जीवन में कर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, क्या माहौल है बाहर का, उसको छोड़ दीजिए, अपने जीवन का लक्ष्य ध्यान रखना। एक मौत का झटका लगेगा, मरने के बाद हमारे साथ ना माहौल साथ होगा, ना रिश्ते नाते, ना यार दोस्त कोई साथ नहीं होगा। हमने जो जीवन में धर्म अर्जित किया है, वही हमारा हमारे साथ जाने वाला है। कितनी बार ये बातें सुन चुके हो, सब इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हो। मैं तो कहता हूँ, मत लो दीक्षा, कोई बात नहीं है, मत करो व्रत नियम, कोई बात नहीं है, कम से कम अपने शरीर का सदुपयोग करो। ध्यान रखिए, दुरुपयोग मत करो, नाक कान आँख जो भी मिला है इसका सदुपयोग करो। एक बच्चा समुद्र के किनारे है, सोच देखिए, चिंतन देखिए लोगों का, बच्चा समुद्र के किनारे है, एक लहर आई, चप्पल बहाकर ले गई, समुद्र पे जैसे ही बच्चे ने देखा कि मेरी चप्पल चली गई, उसने रेत पे लिख दिया, समुद्र तू चोर है, तूने मेरी चप्पल चुराई है। एक बच्चे की सोच, वहीं क्या घटता है, कुछ मछुआरों की टोली चली आ रही है, हाथ में मछलियां लिए, वह देखते हैं तो क्या कहते हैं, समुद्र तू हमारा पालनहार है। बच्चे के लिए समुद्र चोर है, मछुआरों के लिए समुद्र पालनहार हुआ करता है। देखते क्या है कि थोड़ी दूर आगे जा करके देखो तो एक स्त्री का पति समुद्र में डूब करके मर जाता है, डूब जाता है, स्त्री लिखती है, समुद्र तू हत्यारा है, तूने मेरे पति की हत्या की है। आगे जा करके देखते हैं तो क्या घटना घट जाती है कि एक भिखारी घूम रहा है समुद्र के किनारे, सीपी खोलता है और मोती की प्राप्ति हो जाती है। समुद्र के वह भिखारी कहता है, समुद्र तुझसे ऐसा दानी तो संसार में कोई दूसरा नहीं है। एक ने क्या लिखा, समुद्र तू चोर है, एक लिखता है समुद्र तू हत्यारा है, एक लिखता है समुद्र तू पालनहार है, एक रेत पर लिखता है समुद्र तू दानी है। विचार करिए, एक समुद्र है, सोच कितनी अलग, एक समुद्र की बड़ी लहर आती है, पूरी जो लिखा हुआ था मिटा करके चली जाया करती है। मालूम है क्या हुआ, क्यों मिटा दिया उसने, समुद्र ने ना ये सुना कि तू हत्यारा है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तू पालनहार है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तू दानी है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तुझ जैसा चोर दुनिया में कोई नहीं, समुद्र ने कुछ नहीं सुना। समुद्र ने कहा, मैं समुद्र हूं, अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में बहना, ये मेरा काम हुआ करता है। लोग क्या कहते हैं, हमें इसकी परवाह नहीं हुआ करती है। चाहे दानी मानो, चोर मानो, जैसा मानना है मानते रहो, मैं आपसे कह रहा हूं, विशाल समुद्र बनना है। लोग क्या कह रहे हैं, इस पछड़े में मत पड़िए, अपना रास्ता चलिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए और जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करिए।